15 अगस्त भी बता दें कि क्यों मनाई जाती है तो बहुत अच्छा होगा। ये धन्यवाद एसएम न्यूज़ पे आप सुन रहे हैं। हमारे जो बहुजन एसएम न्यूज़ के जो हमारे सर हैं सुरेंद्र सिंह जी सॉरी सुरेंद्र सर से जो आपके उनके बीच में मैं बोल रहा हूँ एसएम न्यूज़ के तरफ से। तो आज स्टूडियो में जो है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जो कलम के जो विचार हैं, जो 18 साल से मैंने एक गांव में पैदा हुआ जहाँ पे मतलब लाइट नहीं होती थी, जहाँ पे स्कूल की अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, जहाँ पे जातिवाद भेदभाव होता है, ऐसी छोटी सी जगह से निकल के अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो 18 साल से जो कलम को जो है हम लोग मुकम्मल करने के लिए जो कवि बनता है, जो लिखते हैं हजारों चीज़ें, वो आज कामयाब हो रही हैं। इसमें मैं अपने पूज्य पिताजी जगन्नाथ प्रसाद भारती जी का मैं खूब आदर और सम्मान करता हूँ। इस दुनिया में वो नहीं है, उन्होंने मुझे तैयार किया और बहुजन आंदोलन में मुझे काम करने की उनसे प्रेरणा मिली। तो आपने कहा 26 जनवरी का मायना आपने बताया कि 26 जनवरी यानी संविधान दिवस मनाते हैं। मैंने नहीं बताया, आपने बताया। मैं मतलब संविधान दिवस के ऊपर मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश की, जितनी मेरी हैसियत जितना मेरा ज्ञान था कि हम किस लिए मनाते, क्योंकि हमारे संविधान दिवस 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था और उसमें हमारे इतने इतने अधिकार है, जिनमें मैंने आपको कहा कि वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और उसमें ये भी बताने की मैंने कोशिश की कि बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इस देश के संविधान को बना के तैयार किया है। तो 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मतलब गणराज्य हमारा देश बना। 15 अगस्त को अधिकतर हमने बचपन में ये सुना था कि 15 अगस्त को हमारा भारत देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। तो ये आज़ादी का पर्व हम लोग मनाते हैं। इस दिन हम शहीद भगत सिंह, ऊधम सिंह जैसे, बिस्मिल्ला खां जैसे वीर, जो वीर ऊधम सिंह थे, जो वीर हमीद थे, जो अशफाकुल्ला खां साहब जैसे बड़े बड़े, जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे के, राजगुरु जैसे, सुखदेव जैसे लोग जो थे, तो ऐसे क्रांतिकारी वीरों को हम याद करते हैं। तो मुझे एक बात का बड़ा अफसोस होता है कि 26 जनवरी 15 अगस्त पे जहाँ पे सभी नेताओं के, कांग्रेस के सभी नेताओं, मुझे कोई परहेज नहीं, मतलब मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, बस एक पीड़ा है एक कवि की, एक कलमकार की, जी के भारत में 85% आबादी रखने वाला, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में हजारों हजारों मंगल पांडे जैसे, इस देश में झलकारी बाई जैसी बहनों ने अपनी कुर्बानी दी है, ऊधम सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानी दी है, जिन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है, तो एक पीड़ा है। तो वो पीड़ा मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, जिनने भारत का संविधान बनाया है, या फिर ऊधम सिंह जैसे वीरों का, झलकारी बाई जैसे वीरांगनाओं का, पता नहीं क्यों मतलब नाम नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं जातिवाद, जो मनुवाद है, जो सोच है इस देश के अंदर, जो भारत के संविधान के हिसाब से होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो मुझे लगता है इस देश में दो तरह की व्यवस्था चल रही है, एक व्यवस्था लागू व्यवस्था है और एक व्यवस्था जो है वो घोषित व्यवस्था है। अब लागू और घोषित व्यवस्था को दोनों को हमें समझने की जरूरत है। लागू व्यवस्था क्या है? लागू व्यवस्था मनुस्मृति है जो आज भी चल रही है, और घोषित व्यवस्था ये है, 26 जनवरी से ये घोषणा हुई है भारत के संविधान में कि इस देश में अब राजतंत्र नहीं रहेगा, पाखंड नहीं रहेगा, जातिवाद नहीं रहेगा, मनुस्मृति नहीं रहेगी। लेकिन वो सिर्फ घोषणा हुई है, कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है, ये हमें दिखता है। और जो घोषित है वो मैं आपको बता दिया, और जो लागू है वो मनुस्मृति है जो आज भी इस देश के अंदर लागू है। तभी ऊना कांड होता है, तभी सारनपुर जैसे कांड होते हैं, तभी हमारे, मैं जिस क्षेत्र का, बैरसिया का रहने वाला हूँ, वहाँ पे एक दलित किसान को जो है जिंदा जला दिया जाता है दोस्तों। संजली बहन जैसी बहन के साथ इतना बड़ा जो है दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या हो जाती है। रोहित भाई बेमूला जो एक बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही PhD करने वाला एक होनहार छात्र था, तो ऐसा इनको हम याद करते हैं तो दुख भी होता है। तो मैं 15 अगस्त के मायने आपको यह बताना चाहता हूं कि जो 15 अगस्त है वो आजादी के तौर पे हम लोग मनाते हैं। आजादी किसकी? आजादी इस देश में पूंजीवाद को मिली है, आजादी इस देश में वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोगों को मिली है, आजादी इस देश के अंदर व्यापार करने वाले लोगों को मिली है, आजादी इस देश के अंदर 15% धान्य से, संसाधनों से संपन्न लोगों को मिली है, लेकिन 85%
भूखा मरने वाले इस गरीब को, जो कि एक मजदूरी करता है, जो कि एक 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 छोटे से पार्ट से लगा के हेलीकॉप्टर के तक पार्ट्स बनाता है, ऐसा मजदूर, ऐसा गरीब समाज, उसको आज भी आज़ादी कहीं ना कहीं नहीं मिली है। तो आज़ादी हमारी तीसरी आज़ादी है, और तीसरी आज़ादी की लड़ाई का जिक्र हमेशा होता है कि पहली आज़ादी क्या है, दूसरी आज़ादी क्या है और तीसरी आज़ादी क्या है। तो मैं उस पर आपसे 15 अगस्त के विषय में कुछ कविता के माध्यम से कहना चाहूँगा। अभी हमारी आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं वहीं से चालू करता हूँ कि 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है, जातिवाद के कारण अब भी दलितों की बर्बादी है, जातिवाद के कारण अब भी दलितों की बर्बादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है, जातिवाद के कारण अब भी बहुजन की बर्बादी है, लूट हत्या रेप कुपोषण शोषण की भरमार है। इस देश के अंदर क्या हो रहा है आपको मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज़ादी कहाँ मिली है। लूट हत्या रेप कुपोषण शोषण की भरमार है, जातिवाद के कारण ही बहुजन पे अत्याचार है, लूट रहे हैं मनुवादी जो संविधानिक अधिकार है, लूट रहे हैं मनुवादी जो संविधानिक अधिकार है, बहुजनों के गले में देखो वर्णवादी तलवार है, बहुजनों के गले में देखो वर्णवादी तलवार है, महंगाई और भ्रष्टाचार की आई देश में आंधी है। 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आज़ादी है, गाय के नाम पे मानव को पशुओं सा पीटा जाता है, गाय के नाम पे मानव को पशुओं सा पीटा जाता है, ऊना में भी दलितों को गाड़ी से घसीटा जाता है, ऊना में दलितों को भी गाड़ी से घसीटा जाता है, गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई बहनों को लूटा जाता है, गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई बहनों को लूटा जाता है, बहुत हुआ अब सहन सब्र का दामन छूटा जाता है, बहुत हुआ अब सहन सब्र का दामन छूटा जाता है, बहुत हुआ अब सहन सब्र का दामन छूटा जाता है, 85 क्यों भूखा मरता 15 की क्यों चांदी है। 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आजादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आजादी है। और जहां पे मैं बहुजन समाज का जिक्र करना चाहूंगा एक पंक्ति में कि दलित मुसलमान पिछड़े हम सब भारत, दलित मुसलमान पिछड़े हम सब भारत के आदिवासी हैं, दलित मुसलमान पिछड़े भारत के आदिवासी हैं, सारे आर्य विदेशी हैं पर हम तो मूल निवासी हैं, हिंदू वर्ण व्यवस्था में ही तो नारी अब तक दासी है, हिंदू वर्ण व्यवस्था में नारी अब तक दासी है, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध नहीं हम पहले भारतवासी है, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध नहीं हम पहले भारतवासी है, मनुवाद के दास नहीं हम सब अम्बेडकरवादी हैं। 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आजादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आजादी है, जातिवाद के कारण अब भी दलितों की बर्बादी है। और मैं जहां पे जिक्र करना चाहूंगा जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो अंग्रेजों का शासन था, उससे ज़्यादा गुलामी आज हमें देखने को मिलती है। मैं आपको कविता के माध्यम से मैं बताऊंगा, आप अपने अपने बुद्धि विवेक से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश गुलामी खत्म, अरे ब्रिटिश गुलामी खत्म हुई पर मनु गुलामी जारी है, ब्रिटिश गुलामी खत्म हुई पर मनु गुलामी जारी है, वेद पुराण रामायण गीता सब में नीचे नारी है, वेद पुराण रामायण गीता सब में नीचे नारी है, नारी का शोषण जो करते वो सब अत्याचारी है, केवल ज्योतिबा फूले ने नारी जात उभारी है, केवल ज्योतिबा फूले ने नारी जात उभारी है, नारी का जो शोषण करते वो सब अत्याचारी है, महाभारत में एक औरत की 5 पति से शादी है। 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आजादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आजादी है। और अंत में इस कविता की जो जान है, जो तीसरी आजादी का जो मकसद है, जो तीसरी आजादी का परिचय है, मैं ये बताना चाहता हूं एसएम न्यूज के माध्यम से आज इस स्टूडियो में बैठ के कि हमारी जो तीसरी आजादी है उसे हमें समझना होगा। तीसरी आज़ादी क्या है हमारी, पहली आज़ादी क्या हमें मिली, दूसरी आज़ादी क्या मिली, और तीसरी आज़ादी हम किस नज़रों से, किस दृष्टिकोण से हम उसे देखते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां और अंत में आपके बीच में पेश करता हूं। पहली आज़ादी पाई जब गोरों से आज़ाद हुए,
पहली आजादी पाई जब गोरों से आजाद हुए, दूसरी आजादी पाई संविधान से हम आबाद हुए, दूसरी आजादी पाई संविधान से हम आबाद हुए, तीसरी आजादी भारत का मूल निवासी शासक हो, तीसरी आजादी भारत का मूल निवासी शासक हो, लाल किले से भाषण माया बहना का ऐतिहासिक हो, लाल किले से भाषण माया बहना का ऐतिहासिक हो, बहुजनों अब कर लो कब्जा जो दिल्ली की गादी है। 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आजादी है, जातिवाद के कारण अब भी बहुजन की बर्बादी है। 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आजादी है, 70 साल बीत गए हैं ये कैसी आजादी है।